नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान से दिल्ली। तो मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि मैं एक बार दिल्ली जो एग्जीबिशन लगेगा उसमें ज़रूर जाऊंगा, तो मैंने कोशिश की है और मैं पहुंच ही चुका हूं। सुबह अब 10 बजे अंदर एंट्री बताई है, तो अभी 10 नहीं बजे हम एक बार जाके भी आए हैं, तो वापस हम अंदर जाएंगे एक बार। तो अंदर से पूरी जो डिटेल्स है वहाँ पर बहुत सारे जो राजज्ञानी जी है वो भी शायद आए हुए हैं और जो रोहित जी सर है वो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो अब मैं जो वहाँ की लोकेशन है उसके सामने खड़ा हूँ, जिससे जो बड़ी आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है वहाँ पे ही आज का जो एग्जीबिशन है वो कल से ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैं कल नहीं पहुँचा था। मैं तो आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। रोहित जी सर है वो कल ही पहुँच चुके थे, अभी मेरी रोहित जी से बात भी हुई थी, अभी मैं मिल भी लिया हूँ रोहित जी से। तो अब आज की जो मेन पॉइंट यही है कि अंदर कौन कौन से सिक्के बिकते हैं, बाहर बहुत सारी पब्लिक भी है, बहुत सारे लोग उनसे हम मिले भी हैं, जो अपने सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मिले हैं, और जो भी अब आना चाहते हैं शाम तक यहाँ पे वो मेरे से मिल सकते हैं। और सबसे बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से सिक्के लेके आए हैं, कौन से नोट लेके आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे सेल होगा, किस नोट की सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगी। देखने वाली बात यही है, आने वाले 8-10 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उन वीडियो में वो सारी जानकारी मिलेगी। एक वीडियो में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, 8-10 वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगा जो अंदर से पूरी डिटेल्स अपन लेंगे। क्योंकि जब मैं अंदर जाऊंगा पूरे वहाँ का लाइव एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, वहाँ से लोगों से बातें करूँगा और वहाँ से मतलब लोग हैं उनसे मिलेंगे अपन, उनसे पूछेंगे कि आपका कौन सा कौन सेल हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे तो उस तक पब्लिक मिलाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको रोहित जी सर से मिलाता हूँ। रोहित जी सर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैं सुबह ही मिल गया था रोहित जी सर। रोहित जी सर सुबह पहुँचे, कल ही पहुँच गए थे रोहित जी को, मैं सुबह पहुँचा था। तो क्या देखा आपने कल, गए आप कल? तो अंदर गए थे, लेकिन कल तो क्या है उनके बारे में जानकारी दे रहे थे किस प्रकार दिखता है क्या दिखता है वो तो सब। आज का दिन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन आज का है, रोहित जी यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत सारे और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी अंदर होंगे शायद, अभी जाएंगे तो पता चलेगा। अब मैं आपको थोड़ी पब्लिक्स के बारे में बताता हूँ, उनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या कॉइन्स है, या और भी अलग किस तरीके से कुछ और कॉइन्स के अलावा भी कुछ सेल होता है क्या है यहाँ पे। एक सुबह से आए हुए बैठे हैं पब्लिक, अपन वहाँ से बहुत सारे लोग पब्लिक भीड़ है। तो अब अपन मेन इम्पोर्टेंट क्योंकि आज तक आगे वाले वीडियो है, जो आने वाले वीडियो है उनमें अपन मैं आपको पूरी जानकारी इस तरह की दूंगा कि किस तरीके से कॉइन सेल होता है या कितना रुपया कॉइन का मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे हैं जो कहाँ से आए हैं, उनसे बात भी करेंगे और वो क्या लेके आए हैं एग्जीबिशन के लिए पूरी जानकारी उनसे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फोटोज कुछ बनी हुई इस तरीके से, पुराना जो भी मतलब वॉच है फोटोज है, ये भाई लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हो बेटा? राजस्थान से। राजस्थान से भाई लोग आए हैं और ये एग्जीबिशन में यहाँ भाग लेने वाले हैं। ये क्या क्या लेके आए हैं वो आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए ये जो भी पुरानी वॉच है इस तरीके से, हमें इतनी जानकारी नहीं थी इनसे, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है कि ये भी यहाँ पे सेल होती है एग्जीबिशन में। तो शायद रोहित जी को पता होगा, ये देखिए पूरी सामग्री इनके पास है जो भी। ये क्या क्या सामग्री लेके आए हैं, कॉइन्स भी इनके पास खूब सारे कॉइन्स है, तो अपन इनसे बात भी करेंगे। और ये फोटो दिखाइए, देखिए फोटो देखिए बहुत ही शानदार प्रिंटिंग, बहुत ही शानदार प्रिंटिंग। रवि वर्मा फोटो, रवि वर्मा जी की फ़ोटो बता रहे हैं। ये मेडल देखिए इनके सर के पास मेडल्स है, देखिए ये देखिए सर ये मेडल्स कहाँ के, नागालैंड का एक दो ये देखिए, ये देखिए इन भाई साहब से बात करते हैं। आप बताइए आपके पास ये कौन कौन से नोट्स और ये सिक्के हैं? 20 के पुराने वाले नोट है, ये 20 का पुराना वाला नोट, संसद वाला, संसद वाला देखिए, ये संसद वाला पुराना वाला नोट है, स्टार नोट भी है। और कौन से है सर? स्टार नोट, स्टार नोट भी इनके पास है, स्टार नोट बता रहे हैं ये। और अभी ये अंदर गए नहीं है, ये 5 रुपये का देखिए वाला, 3 इंच वाला ये देखिए, कौन सा है? 3 इंच वाला पुराना नोट है, 3 हिरण वाला। ये देखिए 3 हिरण का जो पुराना नोट है, 3 हिरण इसके ऊपर मुंडे हुए हैं, जो छपे हुए हैं, पुराना नोट, बहुत ही पुराना नोट है ये। कौन सा नोट है? 100 का पुराना नोट है।
ये 100 रुपये का पुराना नोट है, बहुत ही शानदार। इन्होंने जो कॉइन्स की जो प्रदर्शनी है बहुत ही शानदार लेके आए हैं। तो ये देखिए, ये कौन सा है? 10 का नोट है पुराना, 10 का पुराना नोट। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो ये आज कॉइन्स जो प्रदर्शनी है यहाँ से बहुत शानदार जानकारी मिली है इनसे। ये बस 100 रुपये का देखिए, ये 100 रुपये का। बहुत सारे इनके पास कॉइन्स इकट्ठे कर रखे हैं और भी काफ़ी सामग्री ये लेके आए हैं। मेडल लीजिए सर, ये देखिए। तो इस तरीके से शानदार इनका जो एग्जीबिशन के लिए जो तैयारियां हैं बहुत ही शानदार रही है इनकी। देखिए ये देखिए, सिक्के और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सिक्के हैं, ये देखिए, 1 रुपये का बड़ा सिक्का पुराना। ये कौन सी सन का है? 1976 सन का है। देखिए बहुत ही शानदार सिक्के लेके आए हैं। इंदिरा गांधी का 5 वाला, ये इंदिरा गांधी जी का बता रहे हैं, 5 रुपये का सिक्का। देखिए इंदिरा गांधी जी का, जो अपन रोज इस वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, वो इंदिरा गांधी वाला नोट ये है। मेरे पास तो नहीं था लेकिन इन साहब के पास मिल चुका है। देखिए इंदिरा गांधी का नोट, खूब सारे सिक्के इन्होंने ले रखे। ये कौन सा है? किसका है? इंडिया का। ये देखिए काफ़ी पुराना है, ये भी सिक्का है जो देख सकते हो आप। कुल मिला के इनके पास बहुत सारे सिक्के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज जो एग्जीबिशन में जाएंगे अपन, इनसे फिर से मिलेंगे शाम को, क्योंकि इनका पता करेंगे इनका कौन कौन सा सिक्का सेल हुआ है, कौन सा नोट सेल हुआ है, या जो घड़ियाँ वगैरह है या जो इनमें फोटोज है, ये सारी इनसे डिटेल्स अपन वापस जानेंगे। जब ये एग्जीबिशन के अंदर जाके वापस आएंगे तब अपन पूरी डिटेल्स इनसे लेंगे। और इधर देखिए, मैं जस्ट इस बिल्डिंग के पास में खड़ा हूँ, अब टाइम बाकी है, मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो आने वाले दोस्तों, कुछ वीडियोज के आर्ट जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उनमें मैं कौन सी सारी जानकारी आपको देऊँगा, किस तरीके से सेल होते हैं या नहीं होते हैं, जो लोग इनके नाम से फोन करते हैं वो फोन करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं एक बार अंदर जा रहा हूँ, अंदर से आपको पूरी डिटेल देऊँगा। ठीक है दोस्तों।